आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो विरोध चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो मात्रा है, जो एक लंबी भीड़ है, वह महिलाओं की है। इस बार महिलाओं ने भी निकलकर जोर शोर से प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया है। जहां एक ओर कहा जाता था कि अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को जागरूक नहीं होने दिया है, वह बाहर नहीं निकल सकती हैं, बल्कि उनके अंदर विरोध करने की भी सामर्थ्य नहीं है, उन सभी भ्रांतियों को तोड़ते हुए इस दौरान अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं ने सामने आकर मुंह तोड़ जवाब दिया है और यह बता दिया है कि वह यदि घर के भीतर रहती हैं, यदि वह सामने आकर खड़ी नहीं होती हैं, तो वह उनकी खुद की मर्जी है। लेकिन जब उंगली उनके अस्तित्व पर उठेगी, जब उंगली उनके आने वाली नस्ल पर उठेगी कि वह भारतीय नहीं रह जाएंगे, तब वह बाहर निकल कर आएंगी, विरोध भी करेंगी और यह बता देंगी कि वह किसी दबाव में नहीं है, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाता है, बल्कि उनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वह बाहर निकल कर आ सकती हैं, चाहे वह सरकार हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, उसका विरोध कर सकती हैं। यह मिसाल पेश करती नज़र आ रही हैं इस वक्त भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएँ, और वहाँ पर हमें वाहवाही करनी चाहिए उन महिलाओं की भी जो अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं हैं और उन महिलाओं का ज़ोर शोर से साथ दे रही हैं, भरपूर साथ दे रही हैं, उन महिलाओं की भी हमें वाहवाही करनी होगी। महिलाओं का यह प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब भारी पड़ता जा रहा है, लगातार विरोध भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महिलाओं को लेकर प्रदर्शन जो कर रही हैं, अभद्र बयान भी दिए। कई नेताओं ने कहा कि वे 500 रुपए में आती हैं, कई नेताओं ने तो ट्वीट में यह भी लिख दिया कि 500-700 रुपए के लिए पति अपनी पत्नी से कह रहा है जाओ जाकर शाहीन बाग में लेट जाओ। इसके कितने तरह के मतलब निकाले जा सकते हैं, यदि इस बात का मतलब निकाला जाए तो बहुत गहरा भी हो सकता है। इस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया है, यदि संज्ञान नहीं लिया गया है तो वह बात भी खारिज होती नज़र आती है भारतीय जनता पार्टी की, जब वह 2014 के समय और 2019 के समय भी यही कह रही थी कि नारी पर अत्याचार को रोकना है। क्या यह अत्याचार नहीं है? जिस तरह के अभद्र बयान दिए जा रहे हैं, क्या यह अत्याचार नहीं है? इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता नसीहतें देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हम इस दौरान बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया प्रमुख मायावती की। मायावती लगातार आप देख रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर तो बयान दे ही रही हैं, लेकिन चाहे वह कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उनको भी निशाने पर लेती नज़र आ रही हैं। समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधती रही हैं और कांग्रेस पर भी। तो यहाँ मायावती पर हम यह भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें भ्रमित कर दिया है। जिस तरह प्रदर्शनकारियों को लेकर यह बयान बार बार सामने आ रहे हैं सत्ताधारी दल के, कि इन प्रदर्शनकारियों को भ्रमित किया गया है, कांग्रेस द्वारा भ्रमित किया गया है, आम आदमी पार्टी द्वारा भ्रमित किया गया है, यह बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से मायावती कांग्रेस की भी आलोचना करती नज़र आई हैं, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो या फिर वह अन्य कोई भी समाजवादी पार्टी हो, कोई भी दल हो, आलोचना का यदि मौका मिला है तो मायावती उस पर चूकी नहीं है। लेकिन इस दौरान वह भारतीय जनता पार्टी को भी एक नसीहत दे रही है। हम आपको बता दें कि 17 जनवरी को लखनऊ के घंटाघर में जो प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर पुलिस का फिर उग्र रवैया सामने आता है, जिसमें मशहूर उर्दू जगत के शायर हैं मुनव्वर राणा, उनकी दो बेटियाँ हैं सुमैया राणा और फौजिया राणा, उन्हें भी हिरासत में लिया गया था, उनके ऊपर भी मुकदमा दायर कर दिया गया था और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद भी शनिवार की बात है ये, वहाँ भी एक महिला शामिल थी और कम से कम अज्ञात 100 महिलाओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। इसी बात को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का यह बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जिन महिलाओं पर भी यह मुकदमे दायर किए गए हैं, उनके ऊपर से उन मुकदमों को हटा दिया जाए और जिन्हें हिरासत में लिया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए। यही एक सही नीति है, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना गलत है। यह मायावती का बयान सामने आ रहा है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मायावती पर भी आरोप लगाती नज़र आएगी कि उन्हें कांग्रेस ने भ्रमित कर दिया है, जबकि इसके विपक्ष मैंने आपको अभी भी बताया कि कांग्रेस की भी निंदा करती नज़र आ रही थी मायावती, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा था। अभी भी मायावती के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का पलटवार नहीं हुआ है, लेकिन पलटवार बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि इस वक्त जो भी बयान आ रहे हैं उसका पलटवार ज़रूर हो रहा है, चाहे थोड़ा देर से क्यों ना हो रहा हो। तो क्या मायावती पर भी
बंटवार होने वाला है इस बात का। इस संबंध में जो मायावती ने जो बात कही है कि महिलाओं को छोड़ देना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी अब फंसती हुई नजर आ रही है? क्या वह इस कानून से पीछे हट जाएगी? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।